हिंद जय भारत एक नई भर्ती है जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से निकाली है और यहाँ पर 8 पद पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। हालांकि ये नोटिफिकेशन जो है 17 अगस्त 2024 को जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओर से। यहाँ पर वैकेंसीज टोटल 80 वैकेंसीज है जूनियर कोर्ट अटेंडेंट की। कुकिंग नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, कुकिंग का नॉलेज यानी कि कुक भाई जो भी हमारे पूर्व सैनिक हैं वो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसकी डेट जल्दी आ चुकी है यानी कि इसकी जो लास्ट डेट है 23 अगस्त 2024 लास्ट डेट दोस्तों। तो यहाँ पर 80 वैकेंसीज में से 8 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। लेवल थर्ड की यहाँ पर सैलरी आपको देखने को मिलेगी, बेसिक भी होगी 21,700 रुपये प्लस अदर अलाउंस जो भी यहाँ पर दिए जाते हैं ग्रॉस पे यहाँ पर होगा HRA मिला करके 46,210 रुपये पूर्व सैनिक जो भी कुक भाई हैं उनके लिए। अभी मात्र 10वीं पास पढ़ा होना चाहिए, साथ में जो डिप्लोमा है कुकिंग से रिलेटेड आपके पास होनी चाहिए। तो जिनके पास भी हमारे फौजी भाई जो भी रिटायर आते हैं उनको इस तरह का डिप्लोमा दिया जाए। पूर्व सैनिकों के लिए जो मेंशन किया गया कि एक्सेसमैन कैंडिडेट हु डू नॉट पोजेस 1 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन कुकिंग, जिनके पास भी डिप्लोमा नहीं है किसी या इससे संबंधित, तो वो यहाँ पर कंपटेंट सर्टिफिकेट जो कि कुकिंग का उनके पास दिया हुआ है, कैटरिंग का उनके पास सर्टिफिकेट है, उसके बेस पे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि पूर्व सैनिक जो कुक भाई हमारे कुकिंग से रिलेटेड हैं उनके पास डिप्लोमा है ठीक है, नहीं है तो आप जो आपको कंपटेंट अथॉरिटी के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया है उसके बेस पे भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज यहाँ पर 27 साल मैक्सिमम बताई गई है और एक्सेसमैन को यहाँ पर छूट दी जाएगी एज पर जो गवर्नमेंट रूल है, जिसमें कि टोटल जो आपकी एज है उसमें से जितनी अपनी सर्विस की है माइनस कर देनी है। यदि जनरल के हैं तो 3 साल की और अन्य कैटेगरी यहाँ पे 3 साल और 5 साल की छूट मिलती है। तो उस तरह कैलकुलेशन करके आपकी एज 27 साल से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अभी रिजर्वेशन पूर्व सैनिकों को एज पर रूल के अनुसार यहाँ पर दिया जाएगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल हैं। तो जिस तरह मैंने बताया था कि टोटल 80 वैकेंसीज है तो 10% रिजर्वेशन के हिसाब से यहाँ पर 8 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके होगी। अभी यहाँ पर जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। रिटर्न एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और जिसमें हिंदी इंग्लिश ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, तो उसको भी आप देख सकते हैं, जिसमें कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड होंगे। कुकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपको। प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट 70 नंबर का सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे ट्रेड टेस्ट है, कुकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। इंटरव्यू 30 नंबर का होगा, तो 200 मार्क का टोटल यहाँ पर आपको पेपर मिलेगा। और जो टेस्ट होंगे इसके टेस्ट सेंटर जो होंगे पूरे भारत में आपको देखने को मिलेंगे, जो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अहमदाबाद, अम्बाला, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना और विशाखापट्टनम। उसके अलावा यहाँ पर जो स्टेट्स हैं उसमें गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, दिल्ली, केरला, आसाम, तेलंगाना, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश में आपको सेंटर्स मिलेंगे। तो ये हैं टेस्ट सेंटर जो ऊपर बताए गए हैं यहाँ पर, और ये हैं स्टेट में। अभी इनके लिए अप्लाई करने की जैसे मैंने बताया था कि 23 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, टेस्ट तो हर एग्ज़ाम में होते हैं लेकिन कुछ टेस्ट नॉर्मल होते हैं, तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे फीस है 200 रुपये, बाकियों के लिए यहाँ पर ज़्यादा फीस रखी गई है। तो पूर्व सैनिक इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास भी कुकिंग से रिलेटेड जानकारी है और जो हमारे कुक भाई हैं जिनके पास संबंधित सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है। पूर्व सैनिकों को उन्होंने वैसे भी छूट दे के रखी है। और SCI यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। जय हिंद।